गुड मॉर्निंग, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट आपका SST, बुक नेम भारत और समकालीन विश्व। पूरे विश्व के बारे में भी जानकारी इतिहास से लेना ज़रूरी है, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। अब हिटलर, तानाशाह, ये नाम आपने सुना, बिल्कुल सुना होगा। और हिटलर का उदय क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर थोपी गई कुछ ऐसी धाराएं जिसके कारण जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। कहता है, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट के हिटलर सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर को युवावस्था बहुत गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो नौजवान किसी भी देश का वो भर्ती हो सकता है, इस प्रकार का प्रोसीजर था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश काम किया। काफ्रोड बन हाँ और बहादुरी के लिए उसने कुछ तगमे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, यानी कि जर्मनी की हार होगी, जबकि वो जर्मनी की सेना में था। उसके एक गुस्सा उबल रहा था मन में। 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्य ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर दिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी ने बाद में नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया है। नाथसी, जैसे हमारे यहाँ पार्टियाँ आजकल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, CPM, आपका BSP, लोकदल, इस प्रकार की पार्टी का वहाँ भी उसने गठन किया, तो उसको नाथसी पार्टी या नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1923 में हिटलर ने बवेरिया का कब्जा करने, अंडरस्टूड है कि जब पार्टी बना ली, सत्ता में आ गया तो 7 पड़ोसी देशों पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुशासनिक योजनाओं में एस्पर रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के द्वारा नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आपने देखा कि शुरुआत में ठीक है, उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन एक आर्थिक मंदी, वो दौर जो 1919 से लेकर 1940-45-50 तक इस संसार में रहा, वैसा ही एक आर्थिक मंदी का दौर लगभग इस कोरोना काल में पूरे विश्व में आने वाला है। बहुत सा इंडस्ट्रीज़ के लिए और के लिए वो सेम पोजिशन है। ये आप न्यूरेबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938, ये जर्मनी के अंदर ही है इस प्रकार की सभा। कहता कि 2.6% वोट मिले थे। 1932 में आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। जैसे वहाँ पर वोटिंग हुई, आपको पता कि एक समय भारतीय जनता पार्टी के 2 ही MP होते थे 543 में, आज 333 है, तो यही हिटलर के साथ था। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्षाई संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज को कोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था कि जर्मनी के साथ धोखा किया इन लोगों ने। प्रथम विश्व युद्ध में जो खर्चा था विश्व युद्ध का, वो भी जर्मनी पर डाल दिया। दोषी भी जर्मनी को ठहरा दिया गया, अनेक प्रकार के उसके अधिकार छीन लिए गए। तो हिटलर की राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलमंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। अंडरस्टूड है कि जननेता कोई होता है तो वो लोगों को बकाता भी है, आडंबर भी करता है, दिखावा भी करता है। और जर्मनी में भी राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर ने पूरे देश को अपने पीछे कर लिया। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य में जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, यानी कि अब केवल और केवल वही शासक बन बैठा, बाकी लोकतंत्र की प्रक्रियाएँ थी वो जर्मनी के अंदर समाप्त हो गई। आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनवेलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून को हिटलर ने संसद में हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि 1933 में पूरी तरह जर्मनी में, भारत जैसा जर्मनी देश है कि पूरे अधिकार केवल और केवल हिटलर के पास आ गए। हिटलर के कहे गए शब्द कानून बनने लगे
और किसी प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था वहाँ पर नहीं रही। अब आगे आप पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हेल्मर साक्स को सौंपी। साक्स ने अपने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संबंधन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उत्पादन कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्स वैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर ने फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन का पल्ला झाड़ लिया, यानी कि जो बनाई हुई थी, कहते हैं कि आज तो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, पहले अलग अलग देशों के संगठन थे। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। 1 जून को एक साम्राज्य नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद चक्रवादिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटलैंड प्रांत पर भी कब्जा, फिर पूरे चक्रवासियों को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नान इसापी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों, ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। ये टोटल हिटलर का इतिहास आप पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा आर्थिक समस्या दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन अब लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही, उसने क्रंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। पर प्रशांत महाग अमेरिका ने उसे ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया पर हार्बर पर अमरीकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 2, 1945 में हिटलर की पराजय और जापान का हिरोशिमा शहर पर अमरीकी प्राणों बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग जब शक्तियाँ बढ़ने लगी, तो 1939 से लेकर 1945 तक इस पूरे संसार के अंदर आधे देश एक तरफ बंट गए और आधे देश एक तरफ बंट गए। युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। अमेरिका जो आज सर्वोच्च शक्ति है वो युद्ध से दूर था, लेकिन अमेरिकी जहाज़ों पर भी बमबारी हुई तो युद्ध में उसे मजबूरी बस कूदना पड़ा। और इस युद्ध का अंत हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम, क्योंकि जापान एक छोटे से देश ने चाइना पर कब्जा और रूस को भी पराजित कर दिया था, देश में संसार में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी, तब अमेरिका यहाँ इस युद्ध में आया। नाथियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि नाजीवाद पार्टी एक अंडरस्टूड है, यह तानाशाही शासन था तो उनका दृष्टिकोण कैसा रहेगा। नस्लवादी राज्य की स्थापना, और उसके बाद आप ये टोटल पूरा लेसन्स आप पढ़ते जाएंगे। सूदखोर है, घेटो है, इनको क्या क्या कहा जाता था। 1933 अयोध्या को तरह तरह के आतंकी किया, उन्हें दरिद्र कहकर आजीविका के साधनों को हीन कर दिया और उन्हें से समाज से अलग थलग कर डाला। यानी कि अयोध्या एक प्रकार की जाति थी, जिस प्रकार भारतवर्ष में अनेक जाति है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। देश छोड़कर 1939 से 1945 के दूसरे अयोध्या को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। यानी कि इतना क्रूर व्यवहार अयोध्या के साथ किया गया। नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया के युद्ध के साय में नाथसी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक और आदर्श विश्व में निर्माण में लगे। जनसहार युद्ध की एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। ये पूरा आप लेसन इसका कंप्लीट, आगे ये मौत का सिलसिला पहला चरण इसका 1933 से लेकर 1939 तक, दड़बाबंदी, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, यानी कि यहूदियों के लिए उन्होंने आह्वान किया 1941 के बाद। और नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, पूरा जर्मन का ये वर्णन किया गया है, क्रियाकलाप इसको भी आप थोड़ा रीड करेंगे। एक मातृत्व की नाथसी सोच, नाथसी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती। उन्हें समझाया गया कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों को संघर्ष करना गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक मर्दाना पतन सिखाया जाता था। अब जिस प्रकार ये आतंकवादी आतंक के नाम पर, समाज के नाम पर, जिस प्रकार आज वर्तमान विश्व में उसी प्रकार नाथसी भी शिक्षा देते थे। ये प्रचार की कला, यानी कि नाजी पार्टी और हिटलर अपनी पार्टी का किस प्रकार जर्मन में विस्तार कर रहा था। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा था, एक खतरा अमेरिका अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का, और दूसरा खतरा बोलिसिम्स की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बोलिसिम दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं, ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं। और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू करने किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है, केवल राष्ट्रीय समाजवाद। यानी कि ये नाथसी पर्चे में हिटलर ने पूरे देश में छपाकर इस प्रकार भेजे। ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपने नोट करनी है, तो टोटल लेसन इसकी इमेज आपके पास पहुंच जाएगी। मेन मेन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना, आपने सिर्फ एक तानाशाही शासन
जो जर्मनी में स्थापित किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों के अनुसार वो हिटलर, तो हिटलर ने किस प्रकार जर्मनी को एक राष्ट्रवाद की भावना में धकेल कर और दूसरे विश्व युद्ध की यदि शुरुआत या कारण बना तो ये हिटलर की महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षा भी थी। ओके, थैंक यू।